संख्याओं और अक्षरों से बने पैटर्न, नंबर एंड अल्फाबेट पैटर्न। आज हम कुछ ऐसे पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे जो संख्याओं और अक्षरों दोनों से मिलकर बनते हैं। आप जानते हैं कि इन पैटर्न को बनाने का कोई ठोस नियम नहीं होता, हम अपने नियम बनाकर भी पैटर्न बना सकते हैं। आज रजिस्ट्रेशन नंबर देते वक्त वहाँ के अधिकारी ने मेरा पैन कार्ड मांगा था। तुम्हारे पास पैन कार्ड है? हाँ, ये देखो। तुम्हारा पैन कार्ड नंबर है AICDC891G। एक और पैटर्न। अरे हाँ, इस पैटर्न में भी वर्ण और नंबर प्रयोग किए गए हैं। हाँ, हमारे आसपास अनेक नियमों पर आधारित कई ऐसे पैटर्न होते हैं, जैसे गुप्त कोड या सीक्रेट कोड। कल राजू को ऐसा गुप्त मैसेज भेजते हुए टीचर जी ने पकड़ लिया था। हाँ, मैंने देखा था। क्लास में गुप्त मैसेज भेजने के लिए चलो एक नया कोड बनाएं। कुछ अलग सा, पर ज्यादा कठिन ना हो। मैं बोलूं? हाँ, बोलो ना। हम अंग्रेजी के स्वर ए ई आई ओ यू को 1, 2, 3, 4 और 5 में बदल देंगे। मतलब? ए को 1, ई को 2, आई को 3, ओ को 4 और यू को 5 में बदल देंगे। अरे वाह, ये तो आसान भी है और हमारे दूसरे दोस्त इसके बारे में जानते भी नहीं। मुझे समझ आ गया। बोलो तो मैंने क्या मैसेज लिखा है? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इस सवाल का हल खुद करने की कोशिश करें। लेट अस गो टू प्ले। सही, हमने 2 को ई, 5 को यू, 4 को ओ और 1 को ए में बदल दिया। ये लो मेरा मैसेज। प्ले और मूवी। एकदम सही, हमने 1 को ए, 4 को ओ, 3 को आई और 2 को ई में बदल दिया। यहाँ मैंने एक छोटी सी कहानी ली है जिस पर मैंने एक कोड बनाया है। मैं तुम्हें वह कोड देता हूँ, पूछो तो जानू। यह क्या दे दिया? कुछ तो है, इस कोड का हर लाइन के साथ कुछ संबंध है। आप चाहें तो वीडियो को रोककर इस सवाल का हल खुद करने की कोशिश करें। चतुरा, अब तुम ही बता दो। तो ध्यान से सुनो, पहला 3-1 का मतलब तीसरी लाइन पहला शब्द। तो अगला 4-2 का मतलब चौथी लाइन दूसरा शब्द। एकदम सही। तो इसका नियम हुआ, पहला नंबर लाइन के लिए, दूसरा नंबर उस लाइन के शब्द के लिए। वाह, एकदम सही। 7-3 का मतलब सातवीं लाइन तीसरा शब्द बुक्स। अगला 83 है, आठवीं लाइन तीसरा शब्द बाई। फिर 2-2 है, दूसरी लाइन दूसरा शब्द द। 2-4 का मतलब दूसरी लाइन चौथा शब्द डोर। चतुरा, तुम कहना चाहते हो कि आई सॉ बुक्स बाय द डोर। मुझे तो लाइब्रेरी की किताबें याद आ गई। हाँ, मुझे भी। तो बच्चों, आज हमने कुछ ऐसे पैटर्न्स के बारे में सीखा जो संख्याओं और अक्षरों दोनों से मिलकर बनते हैं, और इन पैटर्न्स को बनाने का कोई ठोस नियम नहीं होता, हम अपने नियम बनाकर भी पैटर्न बना सकते हैं।